चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बिना हाथ लगाए ये चांदी की पायल को चमकाएंगे और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये वीडियो होने वाली है अच्छे से यूजफुल और वो मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है चायदान और इसमें डाल ली हूँ एक गिलास पानी और इसमें मैं डालने वाली हूँ एक चम्मच भर के चाय पत्ती। जो आपकी चाय पत्ती बच जाती है उसे भी आप धो के यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ सीक्रेट, वो है खाने वाला सोडा। तो मैंने यहाँ पे खाने वाला सोडा डाला है और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ आधा शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो हम इसे डाल देंगे कि हमारे बालों को तो साफ करता ही है, लेकिन हमारी ये क्लिनिक को भी साफ करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ पे अपनी पायल, जो देखने में काफ़ी गंदी हो रखी है, देख ही होंगे। और साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे बिछवे लिए, आपको दिख रहे होंगे कितने गंदे हो रहे हैं। तो हम एक इसमें अच्छा सा उबाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, उबाल आ चुका है और गैस कर दी है हमने बंद। अब क्या करने वाले हैं वो मैं दिखाती हूँ। देखिए, हम इन्हें निकालते हैं तो बिछवे तो जम निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम पानी को कर लेते हैं ट्रांसफ़र एक कटोरी में, ये देखिए, और बिछवे हमारे नीचे रह गए हैं। तो हम इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, ये देखिए काफ़ी गंदे हो रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फेंकेंगे नहीं और इन्हें डिप कर करके हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह पानी में डिप करेंगे और इनको इस तरह से हम साफ़ करेंगे। इन्हें तो हम इस तरह साफ़ नहीं कर सकते, इन्हें हाथ में लेके साफ़ करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ। इस तरह हम बिच्छुओं को पकड़ लेंगे और इस तरह साफ़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे बिच्छुओं में अच्छी चमक आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इन्हें साफ़ कर सकते हैं और मैं धो के दिखाती हूँ। आप देख रहे होंगे हमारे बिच्छुओं में चमक आ गई है और पायल भी अच्छे से चमक रही हैं। तो हमें किसी सुनार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी अपनी पायल को घर पे और बिच्छुओं को साफ़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।